इस्लाम का जो सबसे ग्रेटेस्ट फिलोसोफर है कि जिसका इस्लामिक फलसफे पे सबसे बड़ा और शायद सबसे देर पा असर हुआ, वो विदाउट डाउट है इब्ने सीना। 980 के अंदर उनकी पैदाइश हुई, 1037 के अंदर उनकी वफात हुई। वो पर्शिया से थे और वो अपने ज़माने के एक पॉलीमैथ थे, यानी कि तमाम चीज़ों पे लिखा करते थे, जीनियस थे। एस्ट्रोनॉमी पे लिखा, एस्ट्रोलॉजी पे लिखा, केमिस्ट्री एल्केमी पे लिखा, ज्योग्राफी पे लिखा, जियोलॉजी पे लिखा, साइकोलॉजी पे लिखा, फिलोसफी पे लिखा, थियोलॉजी पे लिखा, लॉजिक पे लिखा, मैथमेटिक्स पे लिखा, फिजिक्स पे लिखा, पोइट्री पे लिखा। कौन सा वो सब्जेक्ट है कि जिस पे इब्ने सीना ने ना लिखा? जो इब्ने सीना के मेडिकल वर्क्स हैं, खास तौर पे द बुक ऑफ हीलिंग और कैनन ऑफ मेडिसिन, ये इतने ज़रूरी, इतने अहम वर्क्स हैं कि इनफैक्ट 1650 तक यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये बाकायदा करिकुलम का हिस्सा थे और बाकायदा यूनिवर्सिटियों के अंदर, मेडिकल कॉलेजेस के अंदर पढ़ाया जाते थे। इब्ने सीना पर ख़ुद सबसे बड़ा जो असर है, जो इन्फ्लुएंस है, वो अल फराबी का है। फराबी की जो कॉस्मोलॉजी और मेटाफिज़िक्स है, आप देखेंगे कि इब्ने सीना की भी कमोपेश वही कॉस्मोलॉजी और वही मेटाफिज़िक्स है। इब्ने सीना की ये कोशिश थी कि ग्रीक फिलॉसफी की मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करते हुए, ग्रीक फिलॉसफी का जो तरीका कार है किसी चीज़ को पढ़ने के हवाले से, समझने के हवाले से, उसको इस्तेमाल करते हुए, लॉजिक को, मंतक को इस्तेमाल करते हुए, वो खुदा की हकीकत और कुरान की सच्चाई को साबित करें। आपको याद होगा कि एरिस्टोटल ने एक सब्सटेंस और फॉर्म के दरमियान डिफ्रेंसिएशन पैदा की, यानी कि उसने कहा ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। बिल्कुल इसी तरह इब्ने सीना जो है उस मुख्तलिफ लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, एग्जिस्टेंस और एसेंस के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। एग्जिस्टेंस का तसव्वुर तो बड़े आराम से समझ आ सकता है कि एग्जिस्टेंस वो तमाम चीज़ें हैं कि जो आपको इस मादी ज़िंदगी के अंदर नज़र आ रही हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ, उसमें आप भी शामिल हैं, उसमें इर्द गिर्द कुर्सियाँ, मेज़ें वगैरह, तमाम चीज़ें शामिल हैं। एग्जिस्टेंस के लिए इब्ने सीना लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे वजूद, ये लफ्ज़ उर्दू में भी इस्तेमाल किया जाता है। जब हम एग्जिस्टेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो उर्दू में भी हम अक्सर वजूद का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा साफ से समझ आ जाता है। ये जो वजूद की दुनिया है, इसमें चीज़ें जो हैं वो फ़ानी हैं, वो आती हैं, वो चली जाती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो मुमकिन है मगर अभी पैदा नहीं हुई, वो बाद में पैदा हो जाएंगी, और जो पैदा हुई हुई चीज़ें वो ख़त्म हो जाएंगी। यानी कि ये एक्सीडेंटल किस्म की और कंटिजेंट किस्म की दुनिया है कि जिसके अंदर चीज़ें जो हैं मुसलसल जो हैं तब्दीली के अमल में नज़र आती हैं। दूसरी है दुनिया एसेंस की। ये आपको याद है कि ये जो डिस्टिंक्शन हैं ये प्लेटो में भी हैं, ये एरिस्टोटल में भी हैं। एसेंस के लिए लफ्ज़ अरबी का इस्तेमाल किया जाता है माहियात, और इब्ने सीना ये कहते हैं कि एसेंस वो चीज़ है कि जो कि कायम रहती है, जब वो फ़ानी चीज़ तबाह भी हो जाए, वो जो चीज़ वजूद रखती है वो तबाह हो जाए, बहरहाल फिर उसकी जो एसेंस है वो कायम रहती है। यानी एसेंस बुनियादी तौर पे वो तस्वर है कि जिसके सांचे पर वो चीज़ कायम हुई है। अब इब्ने सीना ये सवाल पूछते हैं कि ये जो दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, एग्जिस्टेंस है और एसेंस है, यानी कि एक तरफ फॉर्म है, दूसरी तरफ मैटर है, एक तरफ उस चीज़ का तसव्वुर है, सांचा है, और दूसरी तरफ उसकी एक्चुअल एग्जिस्टेंस है, उसका एक्चुअल वजूद है, ये दोनों चीज़ें जब कंबाइन होती हैं, जब मैटर और फॉर्म कंबाइन होता है, तो तभी कोई चीज़ जो है वो आपके सामने इस दुनिया के अंदर तख्लीक होती है, कायम होती है, वो बनती है, वो पैदा होती है, जो भी है। ये फॉर्म और सब्सटेंस का जो कॉम्बिनेशन है, या फॉर्म और मैटर का ये कॉम्बिनेशन है, ये किस तरह होता है और किस तरह मुमकिन है, इब्ने सीना पूछते हैं। वो कहते हैं कि ये खुद ब खुद तो एक दूसरे के साथ जुड़ नहीं सकते, फॉर्म और मैटर एक दूसरे के साथ खुद ब खुद नहीं जुड़ सकते, एसेंस और एग्जिस्टेंस एक दूसरे के साथ खुद ब खुद नहीं जुड़ सकते, वजूद और माहियात एक दूसरे के साथ खुद ब खुद नहीं जुड़ सकते, इनको जोड़ने वाला कोई ना कोई कॉज है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो इनको जोड़ता है, उसका लफ्ज़ इब्ने सीना इस्तेमाल करते हैं एजेंट कॉज। और ये जो एजेंट कॉज है, जो जिसके नतीजे में जिसने उन पे अमल किया, जो एक एक्सटर्नल कॉज है, जिस तरह एरिस्टोटल की लैंग्वेज में कि जो बैरूनी एक कॉज है जो इन दोनों को इकट्ठा करता है, वो जो एक्सटर्नल कॉज है, जाहिरी बात है कि उसको एग्जिस्ट करना होगा, उस कॉज को भी उसके साथ एग्जिस्ट करना होगा, तो तभी वो उस चीज को मुमकिन बनाएगा ना, तभी वो फॉर्म और मैटर को इकट्ठा करेगा, तभी एग्जिस्टेंस और एसेंस को इकट्ठा करके कोई मादी चीज बनाएगा। तो ये जो एजेंट कॉज है बुनियादी तौर पे, क्या है? इट इज नथिंग अदर देन गॉड।
इब्न सीना कहते हैं ये बुनियादी तौर पे खुदा ताला है। खुदा ताला जो है वो एग्जिस्टेंस और एसेंस, वजूद और माहियात को, फॉर्म और मैटर को, सब्सटेंस एंड फॉर्म को इकट्ठा करके इस कायनात को कायम करते हैं। अब ये जो एग्जिस्टेंस और एसेंस ने इकट्ठा होना है, ये जो वजूद और माहियात ने, ये जो फॉर्म तसव्वुर ने और मादे ने इकट्ठा होना है इस दुनिया को कायम करने के लिए, बनाने के लिए, इस दुनिया में तमाम चीज़ों को बनाने के लिए, तीन मुख्तलिफ हवालों से इनकी कॉम्बिनेशन या नॉन कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं। वो तीन मुख्तलिफ हवाले क्या हैं, अगर मैं थोड़ी फिलॉसफी की लैंग्वेज इस्तेमाल करूँ, ऑन्टोलॉजिकल मोडालिटीज़ ऑफ बीइंग क्या हैं, मोटे मोटे लफ्ज़ हैं, आप फिक्र ना करें इनके बारे में। वो बुनियादी तौर पर ये हैं कि नंबर एक, वो चीज़ जो इम्पॉसिबल है, यानी कि अरबी में या उर्दू में जो नामुमकिन है, वो चीज़ जो कि कंटिंजेंट है, यानी कि मुमकिन है मगर ज़रूरी नहीं कभी कायम हो चुकी, और वो चीज़ जो कि नेसेसरी है, यानी कि अरबी में हम कहेंगे वाजिबुल वजूद है, उसका वजूद जो है वो एग्जिस्ट करता है। आइए इन तीन कैटेगरीज को ज़रा गौर से देखते हैं, ज़रा इनको मज़ीद देखते हैं। जो नामुमकिन चीज़ है, इम्पॉसिबल चीज़ है, उसकी ना तो कोई एसेंस हो सकती है, ना तो उसका कोई बुनियादी तसव्वुर हो सकता है, ना ही उसकी कोई एग्जिस्टेंस हो सकती है, और ना ही उसको हम किसी और चीज़ से उस तफरीक कर सकते हैं, ना हम ये कह सकते हैं कि यार अच्छा यार ये चीज़ फलानी कैटेगरी में, ये चीज़ फलानी कैटेगरी में, यानी वो नामुमकिन चीज़ है, वो है ही नहीं, तो इस कैटेगरी को वैसे छोड़ देते हैं। वो जिस तरह पारमेनिडीज वगैरह सारे कहते थे ना, इट इज़ नॉन बीइंग, वो एग्जिस्ट नहीं करते। दूसरी कैटेगरी में वो चीज़ आती है जिसको इब्न सीना कहते हैं कंटिंजेंट, यानी कि मुमकिन, वो चीज़ जो कि मुमकिन हो सकता है कि वो आ चुकी हो, अपने वजूद में आ चुकी हो सकता है कि अभी उसने अपनी एग्जिस्टेंस यानी अपने वजूद की रियलाइजेशन नहीं की, वो अपने वजूद में मुकम्मल तौर पर नहीं आई, लिहाजा हमें ये, हम उसके हवाले से ये नहीं कह रहे कि वो है या नहीं है, वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अब क्या चीज़ है कि जिसके नतीजे में एक कंटिंजेंट चीज़ जो है एक एक्चुअल चीज़ बन जाती, एक ऐसी चीज़ जो कि मुमकिन है वो वाकई वजूद रखना शुरू कर देती। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, इब्न सीना ये कहते हैं कि जो चीज़ मुमकिन है उसको कोई एक्सटर्नल कॉज जो है वो एक्चुअल बनाता है, वो उसको वजूद में लेकर आता है, वो उसको वाकई ठोस एक शक्ल देता है, और वो जो चीज़ है कि जो वाकई किसी चीज़ किसी पोटेंशियलिटी को एक्चुअलिटी में कन्वर्ट करे वो क्या है, वो हमारी तीसरी कैटेगरी है, यानी कि वाजिबुल वजूद, वो चीज़ जो कि नेसेसरी एग्जिस्टेंस है। नेसेसरी एग्जिस्टेंस को हमेशा ट्रू इन इटसेल्फ होना पड़ेगा, वो अपने उसको किसी चीज़ ने कायम नहीं किया, वो पहले से ही कायम है, इट इज़ अ सोर्स ऑफ इट्स ओन बीइंग, यानी कि वो एक ऐसी वाहिद एक ऐसी चीज़ है कि जिसको कोई और चीज़ कायम नहीं करती, वो चीज़ों को मज़ीद कायम करता है। और दूसरा ये कि उसकी एग्जिस्टेंस और एसेंस में कोई फ़र्क नहीं हो सकता, उसके तसव्वुर में और उसके वजूद में कोई फ़र्क नहीं, उसका तसव्वुर और वजूद एक ही चीज़ है, उसका वजूद ही उसका तसव्वुर है, उसका तसव्वुर ही उसका वजूद है, ये डिस्टिंक्शन जो उस पर अप्लाई नहीं होती, क्यों, क्योंकि वो सबसे वो पहली चीज़ है, वो सबसे पहली वो कॉज है, फर्स्ट कॉज है कि जिसके नतीजे में एसेंस जो है वो कंबाइन होती है एग्जिस्टेंस के साथ, और कोई चीज़ जो कंटिंजेंट है वो एक्चुअली बन जाती है। लिहाजा ये जो वाजिबुल वजूद चीज़ है, इसकी ना तो कोई जिंस है, इसकी ना तो कोई डेफिनेशन है, हद है, इसका ना तो कोई काउंटर पार्ट है यानी कि नद है, इसका ना तो कोई ऑपोजिट है यानी कि दीद है, इसका कोई मादे के साथ ताल्लुक वास्ता नहीं, ये बरीउल मादा है, इसकी कोई क्वालिटी नहीं, इसकी कोई क्वांटिटी नहीं, इसकी कोई प्लेस नहीं, इसकी कोई सिचुएशन नहीं, और इसका कोई वक्त टाइम नहीं, ये किसी वक्त के साथ महदूद या मुकर्रर नहीं, यानी कि ये क्या चीज़ है, ये सिर्फ और सिर्फ वन है, इट इज़ वन वाहिद अहद, यानी कि इट इज़ नथिंग अदर देन गॉड। ये बुनियादी तौर पर इब्न सीना खुदा की सिफ्त बयान कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एसेंस और एग्जिस्टेंस को कंबाइन करने के नतीजे में, वजूद और माहियात को कंबाइन करने के नतीजे में, जो कंटिंजेंट चीज़ है, वो चीज़ जो कि मुमकिन है, वो असल चीज़ में बन जाती है, वो वाकई उस हकीकत में आ जाती है, ये सब प्रोसेसेस जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ किसी और एक्सटर्नल कॉज के नतीजे में होते हैं, जिसको हम कहेंगे द एजेंट ऑफ चेंज, द एजेंट कॉज, और ये एजेंट कॉज जो है इसका मज़ीद कोई कॉज नहीं, ये तमाम चीज़ों का कॉज है, एंड दैट इज़ नथिंग अदर देन गॉड, दैट बुनियादी तौर पर वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है, खुदा है। तो इस हवाले से
यानी सब्सटेंस और फॉर्म की डिफ्रेंसिएशन के हवाले से, एग्जिस्टेंस और एसेंस के अंदर डिस्टिंक्शन के हवाले से, उनकी कॉम्बिनेशन वगैरह के हवाले से जो हम दुनिया देखते हैं, इसकी जो कॉज है इब्न सीना कह रहे हैं वो बुनियादी तौर पर खुदा है। और ये तमाम बात जो है वो ग्रीक फिलॉसफी की रूह से ही साबित की जा रही है।